और सीधा रुख करेंगे पटना के बापू सभागार से अमृतेश के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में। दिन रात मेहनत करके अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाए, उनको कोई ऐसे लोगों की संगत में नहीं आ रहे थे जिससे कि उनको कोई दुख तकलीफ हो, पुलिस का इंटरवेंशन हो, क्योंकि एक बार अगर पुलिस का इंटरवेंशन हो जाता है तो फिर वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता है और वो सभी प्रकार की सरकारी गैर सरकारी नौकरी सुविधा आदि से भी वंचित कर दिए जाते हैं। ये जो अभियान चल रहा है समाज सुधार का, इसमें जीविका दीदियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमारी पुलिस जो है वह रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए कटिबद्ध है और पुलिस के पास कानून की ताकत है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अपनी उस ताकत का प्रयोग करते हुए जीविका दीदियों को भी फैसिलिटेट करें और उसके साथ साथ जितने भी समाज की बुराइयों के उन्मूलन के लिए कानून बने हैं उनका बहुत ही सख्ती से पालन करवाएं। क्राइम के कंट्रोल के लिए इधर दो ढाई महीनों से हमने वजन और एयरटीएफ का संगठन किया है और ये इतनी ताकत से काम कर रहे हैं कि फरवरी के महीने में ही गंभीर कांडों के 8211 अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये आंकड़ा मैं केवल आपको यह बताने के लिए दे रहा हूँ कि कोई भी गलत काम करता हुआ व्यक्ति, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा कि अपने आप को कोई भी गलत काम करने से हर हालत में रोकें। आप अवगत हैं कि हमारा पुलिस सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी तक हर साल चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के स्वरूप हम लोग ये हर साल मनाते हैं। इस सप्ताह का दो मूल उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो है कि हम अपना जितने प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और उसमें जितना भी पुलिस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी नए नए आयामों का समावेश हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं और अपनी जो क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग है उसमें इजाफा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और वो होता है पुलिस को समाज से जोड़ने का। वो जो जुड़ाव है उसको आप देखो कि हम लोग अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखते हैं। बैंड का कार्यक्रम है, नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम है, हॉर्स राइडिंग का कार्यक्रम है, मैराथन दौड़ का कार्यक्रम है। इन सब में इस साल इतने अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ तक कि यूपी के और झारखंड के भी जो लड़का और लड़कियां थे वो आए थे और उनमें से कईयों ने प्राइज भी लिया है। तो पुलिस को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिलता है। उसमें दोनों ही बातें हैं, जो पुलिस की दिक्कतें हैं वह भी सामने नजर आती है और जो समाज की पुलिस अपेक्षाएं हैं वह पुलिस के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी बहुत ध्यान से समझने की जो है वह एक अवसर प्राप्त होता है। इधर लगातार पुलिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का और मैन पावर बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मैं केवल आप सबको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि ये जो अब जर्नी है ये अब रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और अधिक मैन पावर बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे रखी है। तो एक जो सरकार की अपेक्षा है, समाज की अपेक्षा है, अच्छी से अच्छी पुलिसिंग कैसे हो और सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग कैसे हो, जो नागरिकों की अपेक्षा है अंतोगत्वा डेमोक्रेसी में, वह सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है और वह है। तो इन सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं अपने सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि जब सरकार के द्वारा इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज,
इतने मान सम्मान बढ़ाने के लिए नई नई मदद पुलिस की हो रही है, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि पूरी ताकत पूरे जोश के साथ हम पब्लिक की और सिटीजन्स की सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और पूरी ताकत लगा के जो है वह उनकी उम्मीदों का पालन करें। आज सवेरे जीविका दीदी का एक दो तीन सेंटर देखे थे मैंने, उसके लिए हल्की सी बात कहना चाह रहा हूँ। सब्जी का हमने सेंटर देखा था, तो सब्जी तो एक ऐसी चीज है जिसकी खपत सभी के लिए होनी है, तो मैंने उनसे बात भी की थी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है सब्जियों का, क्योंकि जीविका की जो सब्जियों की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और उसकी कीमत जो थोड़े से अच्छी जगह पर लोकेटेड दुकानें या सब्जी मार्केट है उनसे काफी कम है, तो अगर ये अपने कियोस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के दूर दूर पर खोल दें और ये ध्यान से ऑब्जर्व करें कि फलाने कियोस्क के आसपास के लोग कौन सी सब्जी ज्यादा खरीदते हैं, तो उस हिसाब से इनका जो मार्केटिंग की जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा और इनकी आमदनी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। अंत में उन्हें आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन पे विचार जरूर करेंगे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।